विल सी व्हाट इज द डीएमडी. इसे हम डीएमडी भी कहते हैं या डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं. ये हमारे पास एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होती है. मतलब ये है कि ये ना जेनेटिकली या हेरिडिटरी इन्वॉल्व होती है. मतलब इसमें होगा कि उसका लास्ट भाई जो था वो उसकी डेथ हो गई 17-18 ईयर्स में, या अंकल में हिस्ट्री हो गई सेम मसले की. लेकिन जो हमारे पास जीपीएस होता है ना, वो हमेशा नॉन हेरिडिटरी होता है. और इसे हम डिफ्रेंशिएट इस तरह से करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम सिमेट्रिकल ही होता है. और जो होता है ना एसिमेट्रिकल पैरालिसिस वगैरह होता है हमारे पास पोलियो में. आप कहते हैं डिफिकल्टी इन वॉकिंग हो सकती है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी बच्चा चल नहीं पा रहा है. इनवर्ट कर्वेचर ऑफ द लोअर स्पाइन हो जाता है. इसके बाद ग्रोवर साइन पॉजिटिव होता है. अब ग्रोवर साइन क्या होता है कि जब हम बच्चे को ज़मीन पे उठ के बैठ के वापस उठने के लिए कहते हैं ना, तो वो एक स्टेप वाइज मूवमेंट में उठता है. इसे हम कहते हैं कि उसका ग्रोवर साइन पॉजिटिव है. फिर कहते हैं डिले मोटर माइलस्टोन हुए होते हैं, कांट क्लाइंब द स्टेयर्स, और वार्डलिंग गेट होती है. इसके अलावा सूडो हाइपरट्रॉफी, ये इसका इतना इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि हर जगह ये यही देता है क्वेश्चन में कि इसमें क्या होता है कि सूडो हाइपरट्रॉफी होती है. और होती कहाँ की है, काउस मसल्स की ज़्यादातर होती है. इसके अलावा टंग और फोर आर्म्स की भी हो सकती है. इसके अलावा इसमें स्क्रैचिंग पोजीशन शो करता है बच्चा. डिस्टल मसल्स आर रिलेटिवली वेल, डिस्टल वाले रिलेटिवली वेल होते हैं. और बच्चे की मोस्ट ऑफ द टाइम डेथ हो जाती है 17-20 ईयर्स में. उसके बाद इसमें क्या होता है, डिजेनरेटिव चेंजेस और फाइब्रोसिस होता है. और ये हमारे पास एक पेनलेस है. और आईक्यू लेवल जो होते हैं इसमें हमेशा कम होते हैं हमारे पास. फॉर एग्जांपल वो हमारे से पूछे इसमें डेथ का कैसे होती है, तो 17-20 ईयर्स में जो डेथ है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे से रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होती है, हार्ट फेलियर की वजह से होती है, निमोनिया हो जाता है, या हमारे पास एस्पायरेशन या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है. और इसका निमोनिक PCRA है अगर याद रखना हो तो. इसके अलावा अब जब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन देखते हैं ना, तो इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास में क्रिएटिनिन काइनेज के जो लेवल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए होते हैं. अब क्रिएटिनिन काइनेज के लेवल जीपीएस में भी इंक्रीज होते हैं, लेकिन इसमें मोर देन 15,000 to 35,000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से भी बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास डीएमडी है. और इसकी नॉर्मल वैल्यू इसकी 160 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है. इसके अलावा इसमें जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, जैसे एल्डोलेज, एस्पार्टेट, माइनो ट्रांसफरेज, ये सारे इंक्रीज हुए होते हैं. इलेक्ट्रोमायोग्राफिक कराते हैं मायोपैथीज देखने के लिए. नर्व कंडक्शन जो होती है इसमें नॉर्मल होती है, जबकि जीपीएस में हमारे पास जो नर्व कंडक्शन है वो डिक्रीज हुई होती है. पीसीआर फायदा डिस्ट्रोफिन जीन म्यूटेशन. अब हमारे पास जो इसमें डिस्ट्रोफिन जीन होती है ना, उनमें म्यूटेशन हुई होती हैं, वो देख लेते हैं. मसल बायोप्सी करा लेते हैं, शो द एब्सेंट डिस्ट्रोफिन. डिस्ट्रोफिन का इसमें मसला आ रहा होता है इसकी पैथोलॉजी में. उसके अलावा कार्डियक असेसमेंट करा देते हैं, और उसमें ECG करा देंगे, रेडियोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी. अब जब हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं ना, तो इसमें हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हमने एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ इसकी ट्रीट करनी होती है. कॉम्प्लिकेशन को इम्प्रूव करेंगे, क्वालिटी ऑफ द लाइफ को, फिजियोथेरेपी कराएंगे पेशेंट की, और साथ में अप्रोप्रिएट उसे जो है सीटिंग पोजिशन का बताएंगे. इसके अलावा स्टीरॉयड्स देंगे, प्रेडनिसोलोन मोस्ट ऑफ द टाइम देते हैं 0.7 मिलीग्राम. उसके बाद हम इसमें डाइजॉक्सिन, अगर कार्डियक प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसके लिए डाइजॉक्सिन दे देंगे. और पल्मोनरी इन्फेक्शन आ रही है तो हम उसकी इम्यूनाइजेशन करा देंगे अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा के. और अगर फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है उसे ठीक करेंगे, और हम कैल्शियम दे देंगे अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है. मतलब इसका यह है कि डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई बेसिक ट्रीटमेंट तो है नहीं है, तो हमने इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही करना होता है, कॉम्प्लिकेशन ट्रीट करनी होती है.